हेलो फ्रेंड्स, देखिए कितनी अच्छी और फूली फूली रोटी दिख रही है। आप सोच रहे होंगे इसमें कोई कलर मिलाया गया है। तो जी बिल्कुल नहीं, ये देखिए आप खाने की थाली को बहुत ही अच्छी बना सकते हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं रोटियां। तो कैसे बनाते हैं ये देखिए, हमने लिए एक चुकंदर, इसको हमने काट कर धुल लिया है, क्योंकि इसे हम जब रोटी बनाने के लिए यूज़ करेंगे तो बाद में हम इसे धुलेंगे नहीं। तो ये देखिए मैं इसे 4 पीस में कर लेती हूँ। इसके बाद में अब हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, तो हम इसे एक कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे। ये हमने छोटी छोटी तरफ वाले से कद्दूकस किया है ताकि ये हमारे आटे में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और रोटियाँ हमारी फटे नहीं, और बहुत ही अच्छी रोटियाँ बनेंगी, बहुत हेल्दी रहती हैं। जो इसमें जूस रहता है वो हमें बहुत फ़ायदा करता है, और जो दोपहर का भोजन होता है उसे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए ये इस तरीके से देखिए निकलेगा। ये देखिए इसमें कितना जूस है आप देख सकते हैं, और इसको हमें धुलना नहीं है काटने के बाद। तो ये मैंने 1 कप आटा मेज़र कर लिया है, और एक ख़ास बात याद रखना कि आपको यहाँ पर नमक का यूज़ नहीं करना है, नमक नहीं मिलाना है, वरना जो इसका जूस है वो पूरा बहने लगेगा और आपका आटा चिपचिपा हो जाएगा। तो देखिए हम इस तरीके से आटे में इसको पहले हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और फिर थोड़े थोड़े पानी से हम आटे को गूंथेंगे। एक साथ हम बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे वरना आटा हमारा अच्छे से गूंथेगा नहीं। ये देखिए मैंने 1 कप पानी को 1 गिलास में ले लिया है, और मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथ रही हूँ। ये देखिए आटा गूंथने लगेगा। हम थोड़े थोड़े पानी को 2 से 3 बार में यूज़ करेंगे, और देखिए हमारा आटा लगभग डो बन के तैयार हो गया है। तो इसे आप अच्छे से गूंथिएगा जैसे डेली यूज़ की रोटियां बनाते हैं, पर नमक का यूज़ बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा डो टाइप से बन गया है। हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए, फिर हम इसकी गोल गोल लोइयाँ बना लेंगे। तो देखिए हल्का हार्ड ही है, अब हम इसे ढक कर रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। देखिए खोल कर देखा तो आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं, बहुत अच्छा बन रहा है। देखिए किस तरीके से हम जैसे आप नॉर्मल लोइयाँ बनाते हैं वैसे लोइयाँ बना लेंगे, और फिर हम रोटियों टाइप से इसे बेलेंगे। बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेंगी रोटियाँ, जैसे हमारी नॉर्मल रोटियाँ बनती वैसे ही बनेंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और एक बार बनाकर आप खाइए, बच्चों को खिलाइए, बच्चे भी इसे बहुत अच्छे से खाएंगे। चुकंदर का जूस बहुत लोग नहीं पसंद करते, पर रोटियाँ बहुत फ़ायदा करती हैं, तो हम उन्हें रोटियों में यूज़ कर लेंगे ताकि हमारा जो खाना है वो पूरा भरपूर बने और हमारे शरीर को अच्छे से पौष्टिक चीज़ें मिलें। और इससे तो हमें रेड कलर का रेडिश जूस मिलता है, वो बहुत फ़ायदा करता है। तो देखिए हम इसको इस तरीके से बेल लेंगे, और मैं इसे आपको पका कर भी दिखाती हूँ, ना तो रोटियाँ हमारी फटेंगी ना तो ख़राब होंगी। देखिए पतली ही मैंने बेली है, बहुत मोटी नहीं है, और इस तरीके से हम इसे पकाएंगे। जब आप पकाएंगे तो इसका हल्का सा कलर बदलेगा, क्योंकि जब गैस में पकेगी रोटी तो उसका हल्का सा कलर बदलता है फ्रेंड्स। तो देखिएगा ये हमारी रोटी पक रही है तवे में, और मैंने गैस में ही पकाई है, और इसका हल्का सा कलर बदलेगा। बदलने के बाद में बहुत अच्छी फूली फूली रोटी बनेगी। ये देखिए थोड़ा सा इधर कैसा कलर बदल गया, ये देखिए हमारी रोटी फूल भी रही है, ख़राब भी नहीं हुई, और बहुत अच्छी रोटियां बनेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप ज़रूर एक बार बनाइएगा और खा कर बताइएगा, आपको सब्जी के साथ दही के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। तो अब हम रोटियों को सेकने और इस तरीके से थाली लगा लेंगे। कैसी लगाई लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।